चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बहुत सारे टाइप के सब किए, बराबर है। रेक्टेंगल प्रूव किया, रोम्बस किया, स्क्वायर किया। मैंने तीन चार सब आपको होमवर्क के अंदर दिए। आशा रखता हूँ कि आपने होमवर्क भी वो सब कर लिए होंगे। पास में होते तो पता चलता, डंडे से ही सब चेक कर दे। बट अब आप पास में नहीं हो तो आपके ऊपर मैंने छोड़ा एक होमवर्क, आपको खुद करना। क्लियर? चलो जरा हम लोग असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में जाते। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ोगे क्या है भाई? एंगल बी इज इक्वल टू 90 इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उसमें कौन सा एंगल 90 है? जो 90 हो इधर ही लगना है, बी ए सी हो गया। जो 90 हो वो 90 के ऊपर ही रखना है। ए 90 हो तो ए इधर रखना है, सी 90 हो तो सी इधर रखना है। क्लियर? चलो एंगल बी इज इक्वल टू 90, उसके वर्टाइसेस से ए क्या है कि हमारा 2 3, बी के कोऑर्डिनेट कौन से है 4 5, और सी के कोऑर्डिनेट कौन से है 8 2। ये ए के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है। क्लियर? तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा ध्यान रखोगे, दूसरे जो टीचर या तो सर है वो क्या करते हैं स्टूडेंट के पहले आपको क्या फाइंड करवाएंगे? ए बी स्क्वायर। फिर क्या फाइंड करवाएंगे? बी सी स्क्वायर। फिर क्या फाइंड करवाएंगे? ए सी स्क्वायर। फिर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कौन सी है आपकी? ए सी। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला कौन सा बनेगा आपका? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर आपने जो भी वैल्यू है फाइंड किया उसमें रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तभी जाकर लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। और कितना लंबा सम करे तो क्या होता है कि घोटाले होने के चांसेस बढ़ जाते। बट मेरी मेथड बिल्कुल अलग है, एकदम शॉर्ट टर्म मेथड। तो आपको पता है सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या अप्लाई करेंगे भाई? राइट एंगल का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो इन अ ट्राइंगल फॉर्मेलिटी भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, नाइन स्टैंडर्ड में हम लोग लिख चुके हो ये लिख देना है, बराबर है? लिखो इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लिखा, अब फॉर्मूला लगाएंगे। चलो हमारा पाइथागोरस का एक ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा? हाइपोटेन्यूस पकड़ेंगे, हाइपोटेन्यूस कौन सी आपकी? ए सी। यानी कि लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बनाने का आ गया, सब आपका हो जाए। फॉर्मूला कहाँ से बनाएंगे? राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर राइट एंगल चेंज हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्लियर? चलो ए सी स्क्वायर का मतलब क्या? जब भी स्क्वायर आए तो आपको क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि शादी कराने वाला सम। बोर्ड के ऊपर देख लो पहले, देखो ए सी स्क्वायर, ए और सी की शादी कराओगे। चलो ए और सी की शादी कराओ क्या बनेगा भाई? 2 - a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3 - 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ए और सी की शादी हो गई, करा पाओगे ऐसे? ए सी स्क्वायर यानी कि x1 - x2 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y1 - y2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या है देखो जरा इधर, ए बी स्क्वायर। चलो ए बी स्क्वायर है तो ए और बी की शादी कराएंगे। चलो ए और बी की शादी कराए तो क्या आएगा भाई? 2 - 4 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3 - 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर आएगा ऐसे। चलो ये तो ए बी की शादी हुई। देखो शादी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए,
एबी स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 4 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर अभी बाकी है हमारा प्लस क्या है भाई बीसी स्क्वायर तो चलो बी और सी की शादी कराएं तो प्लस चलो बीसी की शादी कराओ तो क्या आएगा भाई 4 माइनस ए ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर क्लियर आया कुछ समझ में टोटल 6 स्टेप बनेंगे कितने स्टेप बनेंगे 6 आपकी सर या टीचर दूसरे सर या टीचर क्या करेंगे पहले एबी स्क्वायर फाइंड करवाएंगे फिर बीसी स्क्वायर फाइंड करवाएंगे फिर एसी स्क्वायर फाइंड करवाएंगे फिर ये फॉर्मेलिटी कराएंगे फिर ये लिखवाएंगे एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इनके जो आंसर है वो रखोगे यानी कि आपकी हाइट है वो लंबी हो जाएगी हम लोग एक ही स्टेप में सब पूरा करेंगे क्लियर बट यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 स्टेप राइट साइड में टोटल 1 2 3 4 स्टेप क्लियर चलो अभी सब का वन बाय वन सिंप्लीफाई करें चलो यहाँ पर 2 माइनस ए ब्रैकेट बार स्क्वायर जिसे जो किसकी जैसा है भाई ए माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर इसका एक्सपेंडिशन डायरेक्टली आपको आना चाहिए क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चलो डायरेक्ट एक्सपेंडिशन करें तो पहले 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 फिर 2ab यानी ये दोनों माइनस है तो माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो देखो 2a 2a को कंपलसरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मिडल टर्म के आगे क्या आता है भाई 2 डायरेक्ट एक्सपेंडिशन करने का सीख लो आप छोटे बच्चे नहीं रहे क्या करेंगे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4 माइनस हो तो माइनस प्लस हो तो प्लस ये क्या करोगे ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आया भाई 2a और जो भी आया उसको कंपलसरी 2 से मल्टीप्लाई करना है 2a मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आएगा भाई 4a आएगा प्लस a स्क्वायर चलो प्लस 3 में से 2 गया 1 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 चलो सामने 2 में से 4 गया 2 2 का स्क्वायर कितना 4 3 में से 5 गया 2 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस चलो इधर फिर से 4 माइनस ए ब्रैकेट बार स्क्वायर है चलो उसका एक्सपेंडेशन करें सेम इसकी तरह पहले 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4a उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8a प्लस a स्क्वायर और 5 में से 2 गया तो 3 b का स्क्वायर कितना भाई 9 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये एक्सपेंडेशन आपको आना चाहिए बाकी का काम इजी अब क्या होगा जरा नजर करो दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कट ही हो जाएंगे क्यों कट हो जाएंगे क्योंकि ये सबको ये लेफ्ट वाली साइड में लाओगे ये प्लस स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा भाई माइनस स्क्वायर और ये हर बार आपको क्या करना है जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको कट ही कर देना है कर दिया आप लोगों ने कट अब जो बचा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करें चलो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 माइनस 4 आएगा सेम पहले सामने देखो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 16 24 24 प्लस 9 कितना आएगा भाई 33 माइनस 8 ये तो इक्वेशन बन गया अब क्या करेंगे देखो ये 8 को उठा कर इधर लाएंगे 5 को सामने ले जाएंगे यहाँ पर क्या है भाई माइनस 4a प्लस 8a इज इक्वल टू 33 ये प्लस 5 है तो क्या होगा माइनस 5 चलो 8a में से 4a गया क्या आएगा 4a इज इक्वल टू 28 देयरफॉर a इज इक्वल टू 28 अपॉन 4 देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 7 बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो बराबर हमें एक ही स्टेप में सब पूरा करना क्लियर अलग अलग स्टेप करने नहीं समझ गए जब भी राइट एंगल आए एक ही स्टेप में हमारा सम पूरा हो जाएगा बट यहाँ पर खास ध्यान रखना शादी कराओ शादी में टोटल 6 स्टेप आने चाहिए एक स्टेप भूल गए तो आंसर कभी भी आने वाला नहीं क्लियर हो गया होगा आप लोगों का नहीं हुआ तो कर लो फटाफट फिर 10 नंबर के क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाए उसके अंदर 3 सम है एक कराता हो बाकी के जो आपको होमवर्क भी कर ले बराबर है चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग क्या है भाई तीन वर्टाइसेस से A17 B24 CK5 आर द वर्टाइसेस ऑफ
ट्रायंगल एबीसी का फर्स्ट नंबर पढ़ो, फर्स्ट नंबर में कौन सा एंगल राइट एंगल है? देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आप लोग बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो उसमें राइट एंगल कौन सा बनाओगे, एंगल ए 90 है तो ए को 90 बनाएंगे, ए बी और सी जो राइट एंगल है वो राइट एंगल पे रखना है। चलो सबके कोऑर्डिनेट लिखे, ए कौन सा है भाई 17, चलो बी आपका कौन सा है भाई 24, और सी आपका कौन सा है जरा नजर करो तो के 5, जिसके वजह से इसे उधर लिखने पर जिसे नहीं लिखने ए हो तो ए, बी हो तो बी, सी हो तो सी। चलो अभी मैंने आपको सम करा है, जरा पहले सोच लो यार पाइथागोरस का फॉर्मूला का क्या बनेगा। अभी मैंने आपको सिखाया फॉर्मूला क्या बना होगी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बी ए या तो एबी बराबर है एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। चलो पहले फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे इधर फॉर्मेलिटी में, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90। चलो अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, चलो फॉर्मूला क्या बनाओगे, हाइपोटेन्यूस आपकी कौन सी बीसी, यानी कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बी ए, बी ए के बदले ए बी अच्छा लगता है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा भाई ए सी स्क्वायर। क्लियर, राइट एंगल चेंज होगा तो फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा भाई चेंज। चलो अब क्या कराएंगे शादी, चलो शादी कराओ पहले बी सी की शादी कराओ, तो बी और सी की शादी कराओ क्या बनेगा भाई, टू माइनस ए ब्रैकेट पर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 ब्रैकेट पर स्क्वायर इज इक्वल टू चलो ए बी स्क्वायर, ए और बी की शादी कराओ या से कराओ क्या बनेगा 1 माइनस 2 ब्रैकेट पर स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ब्रैकेट पर स्क्वायर प्लस अब क्या है भाई ए सी स्क्वायर, ए और सी की शादी कराओ क्या बनेगा भाई 1 माइनस ए ब्रैकेट पर स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गई शादी सबकी, बोलो आगे टेस्ट है, अब 1 बाय 1 सिंपलीफाई करो। चलो 2 माइनस के ब्रैकेट बार स्क्वायर एक्सपेंडिशन करेंगे क्या आएगा भाई 4 माइनस 4 के प्लस के स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर 4 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना भाई 1, चलो यहाँ पर 1 में से 2 हो गया क्या है भाई 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, चलो इसका सिंपलीफाई करें 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। चलो यहाँ पर 1 माइनस के ब्रैकेट बार स्क्वायर है, एक्सपेंडिशन फिर से करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या आएगा 1 माइनस 2 के प्लस ए स्क्वायर और प्लस लास्ट है 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना भाई 4। एक भी स्टेप में गलती करोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा। चलो अब दोनों साइड से मैंने क्या बोला, स्क्वायर वाली टर्म कट हो जाए, देखो एक ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर दोनों क्या हो गए कट हो गए, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, बट यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो कभी भी कट नहीं हो बराबर, इतना दिमाग में रखना है। चलो इधर सिंप्लीफाई करें, 4 प्लस 1 क्या होगा 5 माइनस 4a इज इक्वल टू सामने देखो 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15 माइनस 2k। अब क्या करेंगे, ये माइनस 2k को इधर लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाने चाहिए, देखो माइनस 4k का माइनस 4k, इधर से यहाँ पर आया प्लस 2k इज इक्वल टू 15 का 15, प्लस 5 को सामने ले जाओ क्या होगा भाई
माइनस थर्ड, साइन चेंज कर देने, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, चलो इधर माइनस करो, क्या आया भाई माइनस टू के, 15 माइनस 5 यानी कि 10, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या आया भाई माइनस 5। बोलो कर सकते हो वाले सब कि नहीं कर सकते हो, तो उसमें सेकंड नंबर है थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन 11 में सेकंड एंड थर्ड ये दो सम है, बट फिगर बनाओ देखो, सेकंड में बी राइट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है बी, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बनेगा इधर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, थर्ड नंबर में कौन राइट एंगल है सी, सी यहाँ पर आएगा, आपका फॉर्मूला इधर क्या होगा जी, फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये करना है सॉल्व, न आए तो फिर मुझे बोलना, क्लियर, तो ये दोनों सब आपको खुद सॉल्व करने हैं। चलो जरा पहले नंबर के अंदर जाए, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप लोग, चलो पहले नंबर देखिए, चलो 12 नंबर के अंदर क्या है क्वेश्चन पढ़ो कि भाई माइनस ए माइनस थ्री जीरो बी थ्री जीरो, क्वेश्चन में कुछ रह गया है वन मिनट, एंड सी रह गया है, एंड चलो भाई बराबर ए माइनस थ्री जीरो B30 are the vertices of an equilateral triangle ABC। चलो तो सबसे पहले एक equilateral triangle बनाएं। ABC। चलो A के coordinate कौन से आपके? -30। B के coordinate कौन से आपके? 30। और C के coordinate नहीं आपको find करने हैं। बराबर क्या लिखेंगे x y, क्लियर, क्या लिखेंगे x y, तो भाई a माइनस थ्री जीरो बी थ्री जीरो आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c, यानी कि आपको c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो c में क्या लेंगे x कॉमा y, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी राइट एंगल ट्राइंगल था तो वहां पर तो फॉर्मूला हमने बना दिया ab square is equal to bc square plus ac square, पर यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड कैसी होती है भाई इक्वल मेजर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड इक्वल मेजर की होगी, तो सब आपको क्या करना पड़ेगा तीनों फाइंड करने पड़ेंगे, ab square फाइंड करोगे bc square फाइंड करोगे ac square फाइंड करोगे, बाद में क्या करना है वो देखिए, तो चलो पहले फाइंड करेंगे ab square, फाइंड करो ab square यानी कि a और b की शादी करेंगे क्या बनेगा भाई -3 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 0 ब्रैकेट बार स्क्वायर, 0 माइनस 0 लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चलो -3 कितना होगा -6, -6 का स्क्वायर कितना भाई 36 प्लस 0, देयरफॉर ab square is equal to 36, इसमें रूट मत निकालो, चलो दूसरा क्या फाइंड करोगे bc square, चलो लिखो bc square is equal to b और c की शादी कराओ क्या बनेगा भाई 3 minus x bracket bar square plus 0 minus y bracket bar square, बनेगा चलो ब्रैकेट ओपन करें 3 minus x एक्सपांडिशन करना पड़ेगा a square minus 2ab plus b square, तो क्या बनेगा 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थोड़ा इसको सीधा लिखे तो अच्छा लगेगा, देयरफॉर bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई इनको आगे ला देते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9,
थोड़ा सीधा करके लिखना, क्लियर। चलो थर्ड नंबर में क्या फाइंड करोगे, एसी स्क्वायर। तो भाई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए और सी की शादी कराएंगे, माइनस थ्री माइनस एक्स ब्रैकेट मार्क स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई ब्रैकेट मार्क स्क्वायर। अब जरा नजर करोगे, देखो यहाँ पर ऊपर एक्सपेक्टेशन कौन सा था, थ्री माइनस एक्स, यहाँ पर कौन सा है, माइनस थ्री माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला आपके पास आया नहीं है, बट फॉर्मूला क्या बनेगा, जब दोनों माइनस हो तो क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस को कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकालो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, थ्री प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस को कॉमन निकालो तो माइनस का स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आपको अब क्या ध्यान में रखना है, जब दोनों नेगेटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी ब्रैकेट बाहर स्क्वायर, क्लियर। जब दोनों नेगेटिव हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ब्रैकेट बाहर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्लियर। तो चलो अप्लाई करें, यहाँ पर क्या आएगा भाई, नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। प्लस इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। दोनों नेगेटिव हो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे अप्लाई, बराबर है। तो देखो तीनों के तीनों कैसे आ गए, पॉजिटिव आ गए। चलो इनको थोड़ा सीधा करके लिखे, सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। तो अभी हमें आगे बढ़ना है, अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, सी में एक्स और वाई दोनों फाइंड करेंगे तभी जाकर हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, आपके पास तीन मेजरमेंट आए, ए बी स्क्वायर आया, बी सी स्क्वायर आया, ए सी स्क्वायर आया, और ये तीनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों मेजरमेंट है, क्या है, तो तीनों मेजरमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर क्या बनेगा भाई, एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी, क्या होगा, एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप कोई भी दो को कंपेयर करो, कोई भी दो को क्या करोगे, कंपेयर मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, या तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, ए सी स्क्वायर। बट कंपेरिजन कैसे करना है समझ लो, अभी अगर पहले से आप लोग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर रखोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कंपेरिजन हम लोग ऐसे करेंगे, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान ऐसे बनाएंगे जिसमें इंडिया और पाकिस्तान में से मैक्सिमम कट ऑफ हो जाए। कंपैरिजन कैसे करना है आप लोगों को, कंपैरिजन डायरेक्टली भी नहीं लिख देना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपैरिजन कैसे करना है, जिसमें मैक्सिमम कुछ कट होता हो वैसे आप कंपैरिजन करोगे। अब आपका आइडिया आ गया, चलो कंपैरिजन किसका करोगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ए सी स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। चलो बी सी स्क्वायर क्या है भाई, देखो तो बी सी स्क्वायर का आंसर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू। चलो बी सी स्क्वायर का आंसर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन आया। मैक्सिमम कट होता हो वैसे आपको कंपेरिजन करना, क्लियर। अब क्या होगा नजर करो, अभी मैंने सिखाया आमने सामने इक्वल साइन वाले कट हो जाए, आमने सामने इक्वल साइन वाले कट हो जाएंगे। देखो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, गलती से माइनस सिक्स एक्स और प्लस सिक्स एक्स कट मत कर देना, वो कट नहीं होगी, नाइन और नाइन दोनों कट हो गए। अब आपके पास क्या बचा, माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स, ये सिक्स एक्स को उठाकर इधर लेकर आओ, माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स, सामने कुछ भी नहीं बचा तो क्या आएगा भाई, जीरो। तो माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो। अभी हमें एक्स मिल गया, वाई फाइंड करना है। और स्टूडेंट इतना ध्यान रखो, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, मैं जो बोलूंगा वो बराबर दिमाग में फिट करो, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा आपका एक वर्टाइसिस ऐसा होगा कि तीन में से एक वर्टाइसिस ऐसा होगा जिसमें आंसर में एक कोऑर्डिनेट रूट थ्री प्लस रूट थ्री या तो माइनस रूट थ्री आता होगा। कौन सा आता होगा, प्लस रूट थ्री या तो माइनस रूट थ्री। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो दिमाग में फिट करके रखना, क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर आएगा, आपको तीन वर्टाइसिस दिए हो गया, ब्लैंक हो गया, इज द वर्टाइसिस ऑफ ब्लैंक ट्राइंगल, तो पता कैसे चलेगा, अगर कोई भी वर्टाइसिस में प्लस रूट थ्री या माइनस रूट थ्री आता है, ऑलवेज वो ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होगा भाई, आंखें बंद करके आजू बाजू में पूछना भी नहीं है, तुरंत आंसर में क्या लिख देना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो अभी हमें वाई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, तो कैसे फाइंड करेंगे, लाइक इधर हमने एक कंपैरिजन किया, कंपैरिजन कैसे करना है, मैक्सिमम कट हो जाए। अब क्या करेंगे, इसके सिवाय का दूसरा कंपैरिजन लेंगे, लाइक अब हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, बीस स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं भाई, बीस स्क्वायर, या तो दूसरा क्या ले सकते हो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, आपकी जो मर्जी है वो लेना है। चलो मुझे ये अच्छा लगता है, तो क्या लिखेंगे, बीस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, बड़ा लेफ्ट साइड है, बीस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। चलो बीस स्क्वायर कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। अब क्या करोगे, आया देखो बीसी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, इसमें एक्स की वैल्यू ऊपर से रखोगे, एक्स आप कितना लेकर आए, जीरो, तो जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, जहां पर भी एक्स आता है वहां पर जीरो लगाओगे। चलो ये क्या हो गया, जीरो प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। चलो नाइन को सामने ले जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस नाइन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, और इसका रूट निकालोगे देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, थ्री रूट थ्री आएगा, नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन। यानी जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा आपका एक वर्टाइसिस कौन सा होगा भाई, या तो प्लस थ्री रूट थ्री या तो कौन सा होगा भाई, माइनस ए रूट थ्री। एग्जाम में ब्लैंक का है, देखो एग्जाम ऐसे ब्लैंक का है, तो भाई ए माइनस थ्री जीरो, बी थ्री जीरो एंड सी जीरो थ्री रूट थ्री आर द वर्टाइसिस ऑफ ब्लैंक ट्राइंगल। एक बार में ब्लैंक का है, थ्री रूट थ्री है, आंखें बंद करके कुछ भी नहीं कर रहे, तुरंत क्या लिख देना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, 100% आपका आंसर राइट, कभी भी पॉइंट जीरो 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 वन भी गलत नहीं बनेगा। समझ गए क्या बोला भाई, पॉइंट जीरो 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 1% भी गलत नहीं। तो जहां पर थ्री रूट थ्री है ब्लैंक में क्या लिखते रहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का लास्ट में आंसर लिखना है। समझ गए भाई, क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी एक्स बाय इज इक्वल टू सी क्या लिखेंगे, जीरो थ्री रूट थ्री आया। फाइंड कर सकते हो ऐसे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टाइसिस फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर फिर एनी टू का कंपैरिजन। कंपैरिजन ऐसे करोगे आमने सामने इंडिया पाकिस्तान में मैक्सिमम कट हो जाए, क्लियर, उसके ऊपर से कोई एक की वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरे जो बचे उसमें से कोई भी कंपैरिजन कर सकते हो,
AB square is equal to BC square भी ले सकते हो, या तो AB square is equal to AC square भी ले सकते हो, उसके ऊपर से आपको दूसरा आंसर मिलेगा। बट जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा आंसर में एक कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, √2। क्लियर हो गया वाला सब? चलो तो ये वीडियो में इतने समझ रखते हैं, बाकी के आगे फिर देखेंगे। बराबर है?